कल आया था इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये ऑफिशियल नोटिस है, इसमें देखते हैं क्या क्या इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले इन्होंने बात की है 17 तारीख को जो होने वाला है आपका एग्जाम उसके बारे में, और उसके बाद बताया कि एक्टिवेशन ऑफ मॉक लिंक यानी मॉक लिंक आपका एक्टिवेट होगा 10 तारीख को, और आपका एग्जाम सिटी एग्जाम डेट और आपकी सीट जो बताई जाएगी वो आपको 9 तारीख की यानी को आपको बताएगी संडे को। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बताया गया है कि एससी एसटी के लिए जो आपका वो डाउनलोड होगा ट्रेन का पास वो आपका डाउनलोड होगा 10 तारीख को। चलिए बात करते हैं उसके साथ साथ यहाँ पर 120 मिनट की, तो 120 मिनट वालों की अगर जो बात है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 120 मिनट का जो टाइम दिया गया है। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं परीक्षा अल्फाबेट वाइज होगी, तो देखिए अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आता है जो क्लियर करता हो कि परीक्षा जो आपकी अल्फ़ाबेट वाइज होगी। इससे पहले जो सारी जानकारी आई थी तो वो तो सिर्फ एक तरीके से प्रस्तावित थी इसको, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, जैसा कि ग्रुप डी का बताया जा रहा है कि 2 करोड़ तकरीबन फॉर्म फिलअप हुआ है। दोस्तों आप ही ये समझिए कि 2 करोड़ फॉर्म फिलअप हुआ है, और अगर आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली में क्या दिया हुआ है कि 5 बार में अल्फ़ाबेटिकली बांटा गया, पहला में ए बी टी क्यू वगैरह वगैरह करके इस तरह। तो क्या ये संभव है कि 2 करोड़ लोगों का एग्ज़ाम 5 दिन में, यानी कि आप टोटल 3 शिफ्ट होता है यानी कि 15 शिफ्टों में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल है 2 करोड़ का, ठीक है। ये आप खुद सोच के देखिए, ठीक है। जहाँ पे आप देखेंगे अब ALP का 50,000 कैंडिडेट का एग्ज़ाम लेने में तकरीबन 10 से 11 दिन लग गए और शिफ्ट जो है 33 दिन लग गए। तो क्या ये संभव है 2 करोड़ फॉर्म लेने में जो है 2 करोड़ कैंडिडेट का एग्ज़ाम लेने में 5 दिन में यानी 15 शिफ्ट में कंप्लीट होगा? तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल वाला बात आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे